Good evening, and God bless every one of you who are attending this Bible study hour of Life Spring Assembly. और आज की शाम मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं Life Spring Assembly के उस पूरे परिवार का जो बाइबल अध्ययन का भाग बना हुआ है. The word of God is our measuring rod by which we measure our life. और याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमारी माप दंड करने वाला वो लाठी है जिससे हम अपने जीवन को माप सकते हैं. And the word of God is the foundation for our Christian life. और याद रखिए, परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन की नींव है. So there is nothing in the world that the Bible does not deal with. और इसलिए याद रखिए, पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में, जो इस संसार में है और जिसके विषय में ये पवित्र शास्त्र बात ना करता. So keep reading the word of God. और इसलिए आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहें. And keep meditating on God's word. और परमेश्वर के वचन पर निरंतर मनन करते रहें. So this is our meditation time. और इसलिए ये हमारा मनन का समय है. We have been considering learning from the first letter of Paul to Corinthians these days. और पौलुस प्रेरित की पहली कुरंथियों को लिखी गई पहली पत्री की ओर हम अपने मनन को रखे हुए हैं. As you know that the Corinthian church was so full of problems. और जैसा कि आप सबको पता है अभी तक के अध्ययन से कि कुरंथ की कलीसिया में कई प्रकार की समस्याएं मौजूद थी. And Paul has been dealing with these problems. और पौलुस प्रेरित इन समस्याओं का सामना करते हुए इनके विषय में उत्तरों का को लिखते हुए आगे बढ़ रहा है. Has anything changed? क्या कुछ बदल गया है? No. नहीं. We too face the same kind of problems that they used to face. और हम भी उन्हीं प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जैसे वे करते थे. So it is relevant for us to consider and understand these teachings. और इसलिए ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इन शिक्षाओं को समझें, जानें और अपने जीवन में अभ्यास करें. And apply the word in our practical life. और हम अपने स्वाभाविक जीवन में इन शिक्षाओं का प्रयोग करें और इनके अनुसार चलें. And we have been looking into this matter of marriage and divorce and remaining single, etc. और हम शादी के विषय में, तलाक देने के विषय में और अकेला या अविवाहित रहने के विषय में और ऐसे कई सारे दूसरे विषयों पर बात करते हुए आगे आ रहे हैं. So today we will consider from verse 17 to 24. और इसलिए आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों सातवा अध्याय 17वें वचन से लेकर 24वें वचन तक का जो भाग है उस पर अपने अध्ययन को रखेंगे. So Pastor Mahendra will read this portion, 1 Corinthians chapter 7, verses 17 to 24. पहला कुरिन्थियों उसका सातवां अध्याय 17वें वचन से लेकर 24वें वचन तक हम पढ़ेंगे. जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वह चले. मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए. ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है. हर एक जन जिस देश दिश दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे. यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है. वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है. तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो. हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे. God's blessing be upon the reading of God's word. और परमेश्वर का आशीष परमेश्वर के पर वचन के पढ़े जाने पर हो. Now this portion deals with a Christian and his lot in life. और ये वचन का ये भाग बात करता है एक मसीही
और उसका जीवन का भाग जो प्रभु यीशु मसीह में है। The message of the gospel is the most glorious message imaginable। और याद रखिए सुसमाचार का जो संदेश है वो सबसे महिमामय संदेश है। The gospel also is revolutionary। और याद रखिए कि ये सुसमाचार एक अलग ही प्रकार की बेदारी के विषय में भी बात करता है। It completely changes a person's life। और वो एक व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रीति से बदल देता है। Here and now and for eternity। और अभी, पहले, अभी और अनंत के लिए। The gospel promises everything for which men dream। और याद रखिए वो सुसमाचार में हर एक बात मौजूद है जो मनुष्य जिसका सपना देखता है। It was this revolutionary nature of the gospel which caused some believers in Corinth to have the certain feelings। और ये सुसमाचार के इसी चरित्र के को लेकर कुछ विश्वासियों के भीतर कुछ भावनाएं या कुछ योजनाएं उनके दिमाग में कुरिन्थ की कलीसिया में आ गई थी। They face these challenges। और वो इन चुनौतियों का सामना करते थे। Break their social ties। और अपने सामाजिक बंधनों को तोड़कर। Change their professions। और अपने व्यवसायों को बदलकर। Break their religious ties। और अपने धार्मिक बंधनों को तोड़कर। Freeing themselves from their family and public obligations। और अपने आप को अपने परिवार और समाज के हर प्रकार की जिम्मेदारियों से आजाद करकर। Now this kind of behavior of the believers disrupted the people around them। और इस प्रकार का स्वभाव ने उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उन्हें चौकन्ना किया। For example, उदाहरण के तौर पर, some believers began to reason like this। और कुछ विश्वासियों ने इस प्रकार का तर्क देना शुरू कर दिया। It is the world, if the world is sinful, अगर ये संसार पापमय है, and corrupt, और भ्रष्टाचार है, then a believer should have nothing to do with this world। तब एक विश्वासी का इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। Nor with those who live in the world। और ना ही उनके साथ जो इस संसार में जीते हैं। And therefore, और इस कारणवश, their group, that this group which began to feel this way, broke their social ties। इस प्रकार से ये समूह जो इस प्रकार से सोचने लगा, इस प्रकार की सामाजिक बंधनों को तोड़ने लगा। So that was one example। ये वो एक उदाहरण है। The second example is, दूसरा उदाहरण, others reasoned like this। और दूसरों ने इस प्रकार का तर्क दिया। If believers are not to be unequally yoked together with unbelievers, अगर विश्वासियों का अविश्वासियों के संग मेल जोल सही नहीं है, then they should separate themselves, तब उन्हें खुद को अलग करना है, from their unbelieving spouses, चाहे वो उनका अविश्वासी पति या पत्नी क्यों ना हो। This is already dealt with last lesson। और हमारे पिछले अध्ययन में हमने इस विषय में पहले से बात किया था। In what circumstances divorce is permitted? कि किन परिस्थितियों में तलाक या अलग होने की अनुमति परमेश्वर ने दी है। And then consider the consequences of divorce। और उसके पश्चात उस तलाक के जो परिणाम होते हैं उन्हें आप देखें। It not only affect both the parents but also it affect badly the children। और ना केवल ये बच्चों को दुख पहुंचाता है लेकिन माता पिताओं के भी ऊपर एक कष्ट आता है। Then they should separate themselves। This is their conclusion, you know, they must if they are yoked together with unbelievers, then they should separate themselves from their unbelieving spouses। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे तब उन्हें खुद को अपने अविश्वासी पति और पत्नियों से अलग करना है। This is already dealt with, as I said।
और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस विषय में हमने पिछले हफ्ते में अपने अध्ययन को समाप्त कर लिया। Still others thought, लेकिन फिर भी दूसरों ने ये सोचा, they needed to do away with all the rituals and duties of religion. कि हर प्रकार की जो अनुष्ठान है धार्मिक रूप से जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उनसे उन्हें आजाद होना है। Because they were saved by faith, क्योंकि वो विश्वास से बचाए गए हैं, and not by a religion. क्योंकि किसी धर्म ने उन्हें नहीं बचाया। Believer after believer was questioning his lot in life. और इसलिए विश्वासी दर विश्वासी अपने जीवन को मसीह में अपने जीवन के ऊपर प्रश्न उठाए हुए थे। They were in confusion. और वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस जीवन में बढ़ें। And this passage we read deals with a believer's lot in life. और इसलिए इस भाग को जिसको हमने पढ़ा ये बात करता है विश्वासियों का जीवन या वो भाग जो प्रभु में है। What is his status? और उसका स्थान क्या है? His condition. और उसकी परिस्थिति क्या है? Or his circumstances. या उसकी परिस्थितियाँ वो समस्याएं क्या है? And his relationship. और उसका रिश्ता क्या है? Is it a relevant topic for us? क्या ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है? It is very much needed. अरे ये बहुत ही जरूरी है। And many people, because of the lack of understanding of their status and their condition. और क्योंकि कई सारे लोग अपनी परिस्थिति और अपने स्थान को नहीं पहचान पाते। Confusion prevails in within him. तब वो भी भौचक के रहते हैं और अंदर से उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या करें। In this regard, I want you to notice four things. और इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ चार बातों को आप देखें। Number one, पहली बात, God calls people from every walk of life. कि परमेश्वर लोगों को जीवन के हर पहलू से बुलाता है। From all conditions. हर प्रकार की परिस्थितियों से। And levels of society. और समाज के हर एक दर से। Which is unavoidable. और जो कि आप जिसको आप जिसके परे आप मुंह नहीं फिरा सकते। And secondly, और दूसरी बात, religious distinctions do not matter. जो धार्मिक अंतर हैं वो मायने नहीं रखते। Verses 18 and 20. और 18वां और 19वां वचन। And you read it. जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। Religious distinctions do not matter. और इसलिए धार्मिक अंतर भी मायने नहीं रखते। Verses 18 and 19, is it what you read? Yes, I read that. Thirdly, और तीसरी बात, vocations and social conditions do not matter. कि आप क्या काम करते हैं या समाज में आपका क्या स्थान है ये बातें भी मायने नहीं रखती। Read from verse 20 to 23. 20वें वचन से 23वें वचन तक, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों का दास ना बनो। So it doesn't matter what your social condition is. और इसलिए ये भी नहीं मायने रखता कि सामाजिक आपका क्या स्थान या परिस्थिति है। The fourth thing is, और जो चौथी बात है, be faithful in your lot. अपने भाग में आप विश्वास योग्य ठहरे। Verse 24. 24वां वचन, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। So brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. That is the message. Because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. Amen.
So let us go into this in detail. और आइए इन बातों में हम थोड़ा गहन रूप से जाएंगे. The first thing to notice is, और इसलिए जो पहली बात है जो हमें देखनी है, God calls people from all circumstances. कि परमेश्वर लोगों को जीवन की हर एक परिस्थितियों से या पहलुओं से बुलाता है. From all conditions and levels. हर एक प्रकार की परिस्थितियों, हर एक प्रकार के स्तर से लोगों को बुलाता है. A triune God is involved in a believer's calling. और याद रखिए, एक त्रिएक परमेश्वर लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है एक विश्वासी की बुलाहट में. God the Father enables the believer to distributing gifts and abilities. और परमेश्वर पिता ने वो सारे तोहफे और वो सारे तोड़े अपने लोगों को दिए हैं. God the Father enables the believer by distributing gifts and abilities. And secondly, और परमेश्वर पिता अपने लोगों को तोहफे और तोड़े देने के द्वारा उन्हें परिपक्व बनाता है. और दूसरी बात, Jesus Christ calls the believer to serve him and his cause no matter where he is. यीशु मसीह अपने लोगों को बुलाता है कि वो उसके कार्य को के लिए खुद को दें. ये मायने नहीं रखता कि क्या उसके पीछे कष्ट उठाएं. You know, the Bible says the earth and all its fullness all belong to God. और वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये पृथ्वी उसकी पूरी परिपूर्णता में परमेश्वर का है. So it doesn't matter where I am. तो ये मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ पर हूँ. And the third thing to observe is, और जो तीसरी बात जिस पर हमें ध्यान लगाना है, the Holy Spirit then gives the power and wisdom to the believer to accomplish the task. तब पवित्र आत्मा विश्वासियों को वो ज्ञान, वो बुद्धि और परिपक्वता देता है कि वो इस कार्य को संपूर्ण करें. And therefore, और इसलिए, whenever there is a task before you, कोई भी कार्य जब आपके सम्मुख रखा जाए, don't hesitate to get involved in that task. तब आप कभी भी उन कार्यों में भाग लेने से पीछे ना हटें. And therefore, let every believer walk and live where he is able to use his gifts and abilities for Christ and his cause. और इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि जहाँ कहीं पर भी जो भी विश्वासी हो, अपनी योग्यताएं, अपने तोड़ों और तोहफों का प्रयोग करे परमेश्वर के कार्यों के लिए. Christ calls us to be his witnesses. और प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है उसका गवाह ठहरने के लिए. Where? कहाँ पर? Right where we live and work. जहां पर हम रहते और कार्य करते हैं. A person's lot in life does not have a bearing on Christ saving him. और याद रखिए, एक जन का जो जीवन का भाग है वो इस बात पर नहीं निर्भर होता कि वो कैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आगे नहीं चलता. A person's lot in life does not have a bearing on Christ saving him. और इसलिए इस ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है या क्या कार्य करता है. A person's lot in life, his circumstances and his conditions, his social standing. और इसलिए एक व्यक्ति के जीवन का भाग, चाहे वो सामाजिक स्तर हो या वो समाज में किस स्तर पर है या वो किस स्थान पर है, कैसी परिस्थितियों से आता है, एम्प्लॉयमेंट, मैरिटल स्टेटस हैज नो बेयरिंग ऑन दिस. और उसका वैवाहिक जीवन कैसा है और वो क्या कार्य करता है, इन सारी बातों का उस क्रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. Whether or not he walks in Christ. और क्या वो प्रभु यीशु मसीह के संग चलता है या नहीं? A believer has to walk in Christ no matter where he is. और एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह में होकर के चलना है. ये मायने नहीं रखता वो चाहे कहीं पर भी हो. Conditions and circumstances have nothing to do with his walk with
और इन क्राइस्ट। और याद रखिए आपकी परिस्थितियां कैसी हैं ये मायने नहीं रखता कि आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में कैसा है। अ बिलीवर हैज बीन गिवन पावर ऑफ क्राइस्ट। और याद रखिए कि विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ हिम टू वॉक विद The Lord. और इस उद्देश्य के लिए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के संग चलने पाए and walk through circumstances. और उन परिस्थितियों में से होकर के निकल जाए no matter where he is or what his conditions may be. और ये मायने नहीं रखता कि वो कहां पर है और उसकी परिस्थितियां क्या है और how difficult they may be. और या कितना मुश्किल वो है A believer is to stay where he is And serve the Lord. और एक विश्वासी को उस स्थान पर बने रहना है और वही सेवा करनी है जहां परमेश्वर ने उसे स्थापित किया है। And the second thing from this passage is. और जो दूसरी बात इस अध्याय से हम देखते हैं। Religious distinctions do not matter. याद रखिए हमारी धार्मिक अंतर भी मायने नहीं रखते। There were both Gentiles and Jewish people in the church at Corinth. और याद रखिए कुरिन्थ की कलीसिया में गैर यहूदी और यहूदी दोनों प्रकार के विश्वासी मौजूद थे। Of course, the Jewish Christians wanted to continue with some of the Jewish practices. और जो यहूदी विश्वासी थे, वो कुछ यहूदी जो आदतें थे, उनका पालन निरंतर और करते चले जाना चाहते थे। Some of the religious or ceremonial laws of their former religion. और जैसे रीति रिवाज जो उनके पुराने जीवन में जिनका वो पालन या चाल चलन में लेते आ रहे थे उनको भी वो अपने मसीह के संग अपने चाल चलन में लाना चाहते थे। And what was their former religion? और उनका पहला कौन सा धर्म था? Judaism. याद रखिए यहूदा या यहूदी जो यहूदी या मोजाइक लॉ का या मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का जो पालन करते थे एंड द जेंटाइल क्रिश्चियंस सर्टेनली डिड नॉट वांट एनीथिंग टू डू विद द ज्यूइश रिलीजियस प्रैक्टिसेस और जो गैर यहूदी थे या गैर यहूदी जो विश्वासी कुरिन्थ की कलीसिया में थे वो यहूदियों की रीति रिवाज से उनका कुछ लेना देना नहीं था द गॉड मेड दीस रिचुअल्स Unnecessary, apparently the issue became very serious in the church. और ये जो रीति रिवाज थे इन्हें परमेश्वर ने खुद इनको ये कह करके बताया कि अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यही रीति रिवाज कलीसिया में समस्याओं को लाए The answer to this problem is direct and pointed. और ये उत्तर इस समस्या के प्रति बड़ा साधारण सा और बड़े स्पष्ट रूप से दिया गया है Religious External rituals do not matter. और धार्मिक रीति रिवाज जो बाहरी रूप से आप करते हैं उनका कोई मायने नहीं They do not save a person. क्योंकि ये रीति रिवाज या अनुष्ठान लोगों को नहीं बचाते They do not make a person acceptable or unacceptable to God. और ये किसी व्यक्ति को किसी परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य या आग्रहण योग्य नहीं बनाते What really matters is the heart aur jo sach mein maine rakhta hai wo hai aapka hriday obedience to the lord's command aur parmeshwar ki aagyaon ke prati aagyakarita and the believer who pleases god is the one who loves god so much that he trusts and obey god aur isliye ki vishwasi jo prabhu yeshu masih se prem rakhta hai wo us par bharosa aur uske prati aagyakari bhi bana rehta hai the most important thing is jo sabse mahatvapurn baat hai you trust god aap parmeshwar par bharosa rakhte hain and when you trust god you will obey jab aap parmeshwar par bharosa rakhenge aap uski aagya manenge do not doubt और इसलिए कोई संदेह ना करे। When the storm comes, और जब वो तूफान आते हैं, He is able to take you and walk you through the storm. तब वो योग्य है कि उन तूफानों में से लेकर के आपको बाहर निकाले। And for that you have to trust. और उस ऐसा होने के लिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। So instead of getting panic, और इसकी बजाय कि आप भौचक्के हो जाएं, घबराएं, let your trust in God props up. होने दे आपका परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास और खड़ा होने पाए And see what happened. और देखिए क्या होगा He will walk with you. वो आपके संग चलेगा
As he has never promised that we will not face any storms. और जैसा कि उसने वादा किया है कि मैं कभी भी तुम तूफान का सामना नहीं करूंगा. He has never promised that you will have no difficulties. और उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि कभी कोई तूफान नहीं आएगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगी. He has never promised that you will not face any fiery kind of. और उसने ऐसा भी वादा नहीं किया है कि आप किसी आग जैसी ज्वलनशील परिस्थितियों से होकर नहीं निकलेंगे. But what he promised is this. लेकिन जो वादा उसने किया है वो ये. No matter what circumstances through which you are walking. और ये मायने नहीं रखता कि किन परिस्थितियों से होकर आप निकलते हैं. I am with you. वो कहता है मैं तेरे संग हूँ. I will walk with you. मैं तेरे संग चलूँगा. And I will bring you through it. और मैं तुझे इन सारी परिस्थितियों में से निकाल कर लाऊंगा. What a wonderful. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है. He loves the Lord so much. और वो परमेश्वर से इतना प्रेम करता है. That he longs to please the Lord. By doing what the Lord says. ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन बातों को करे जो परमेश्वर को प्रसन्नता दे. And he trusts God so much. और वो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता है. He knows what God says is the very best thing to do. वो जानता है कि जो परमेश्वर कहता है वो सबसे उत्तम बात है करने को. And so whatever God lays before us. और इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर हमारे सम्मुख रखता है, our one longing will be how to please my God. तब हमारी एक इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं. Let us look to into some verses. आइए कुछ वचनों की ओर हम देखें. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 7, verse 21. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय 21वें वचन में इस प्रकार लिखा है. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So we all can call him Lord, 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 Lord. और हम सब उसे प्रभु प्रभु कहकर बुला सकते हैं. Now don't think that you are pleasing God by him hearing you call out God, God, Lord, Lord. और इसलिए ऐसा ना सोचे कि जब आप उसे परमेश्वर कहकर के प्रभु कहकर के बुलाते हैं वो आपको सुन रहा है. He wants to see your practical life. लेकिन वो तो आपके प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन को देखना चाहता है. In your practical daily life, do you obey? क्या आप अपने प्रतिदिन के जीवन और स्वाभाविक जीवन में उसके प्रति आज्ञाकारी हैं? That is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. See, look at John's the Gospel according to Saint John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय की ओर हम देखें. Verse 21. और 21वां वचन. 14:21. 14वां अध्याय 21वां वचन. 21 says. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. This is a verse that you need to meditate thoroughly. और यह एक ऐसा वचन है जिस पर आपको बड़े गहन रूप से मनन करना है. What promise God कैसा अद्भुत वादा परमेश्वर ने हमें दिया है. And my friends, when we walk with the Lord, we want to keep on knowing what is His will. What does He want me to do? और मेरे मित्रों जब हम परमेश्वर के संग निरंतर चलते रहते हैं तब हम इस बात को जरूर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और वो क्या चाहता है. Turn to Galatians chapter 5 verse 6. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 6वें वचन में इस प्रकार लिखा है. मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है. That is that for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything but only faith working through love.
And that is what God requires. और इसी बात को परमेश्वर को जरूरत है. It is not the outward ceremonies and outward appearances. और याद रखिए बाहरी रूप से किए जाने वाली गतिविधियां रीति रिवाज अनुष्ठान परमेश्वर नहीं देखता. Your inner life. लेकिन आपका भीतरी जीवन अंदरूनी जीवन कैसा है. First Samuel chapter 15. और पहला सैमुएल की पुस्तक 15वां अध्याय Verse 22. और 22वें वचन में. Here it says, and Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." Samuel ने कहा का यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्ता प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है. सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है. साम नंबर 51 भजन 51 वर्स 16-17 सोलहवें वचन और 17वां वचन. एंड देयर वी रीड साम 51 51:16-17. It says here, "For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise." क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता. होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. Here, dear friends, और यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों, is what is important. हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है. What does God look? कि परमेश्वर क्या देखता है? He is looking not for how tall you are, how handsome you are, how what is your color and what clothes you wear. These are not what God is looking. याद रखिए, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने लंबे हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे दिखते हैं. ये सारी बातें वो नहीं देखता. Whether you possess a strong body, muscled, bulging up and कि आपके पास एक बहुत अच्छा शरीर है और उसमें मांसपेशियां बड़ी गठीली हैं और अच्छी हैं. He is looking at the heart. लेकिन वो तो हृदयों को देखने और जांचने वाला परमेश्वर. What is in your heart? और आपके हृदयों में क्या है? What desire? और कौन सी इच्छाएं? Let that desire be like the desire of David the king. और होने दे ये इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हो जो दाऊद के हृदय के समान इच्छाएं थी. Psalm number 51 is very famous. और भजन 51 बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है. It is about the repentance of David. और याद रखिए, ये बात करता है दाऊद के मन फिराने के विषय. I recommend that whenever you need to repentance, you read this psalm and see how what repentance really is. और मेरी प्रार्थना और अनुरोध आपसे ये है कि जब कभी भी आपको क्षमा याचना या मन फिराना हो, आप इस भजन को जरूर पढ़ें. It is not merely saying, "Oh Lord, I made this mistake. I am sorry." और ये सिर्फ इस विषय में नहीं है कि इतना ही कहना कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे. That is easy to say. क्योंकि ये कहना तो आसान है. But it does not bring the forgiveness. लेकिन ये क्षमा को नहीं लाता. You have broken the heart of God. क्योंकि आपने परमेश्वर के हृदय को तोड़ा है. In the New Testament words, you have crucified Christ again by sinning. और क्योंकि नए नियम के अनुसार आपने प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया है पाप करने के द्वारा. Now you repent. और अब आप मन फिराएं. That is the only way that you can be restored. क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिसके द्वारा आप वापस लाए जा सकते हैं. May the Lord bless your heart through the studying of this passage. और होंदे परमेश्वर आप सबके हृदयों को आशीषित करे जब हम इस अध्ययन को हमने किया. And I pray that you will continue to meditate on this. और मेरी प्रार्थना यही है कि आप निरंतर इस पर अपने मनन को जारी रखेंगे. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. He is not a hard master. और याद रखिए, वो कोई कठोर स्वामी नहीं. But he certainly looks for obedience. लेकिन वो आज्ञाकारी लोगों को देखता है. And that count he shall not compromise. और एक ऐसी बात है जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेगा.
Holy Spirit of God, हमारे पवित्र आत्मा, we all are weak vessels. हम सब बड़े कमजोर प्यालों के समान हैं. Vessels of clay. और ऐसे प्याले जो मिट्टी से बने हैं. It can be easily broken. जो आसानी से टूट सकते हैं. But we need you, Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा हमें तेरी आवश्यकता है. You not only enable us. तू ना केवल हमारी सहायता कर. To be right with God. ताकि हम परमेश्वर के संग सही हों. And also enable us. लेकिन हमारी सहायता कर. To do things that will bring pleasure into the heart of God. ताकि हम वैसी बातें करें जो तेरे हृदय को प्रसन्न करने पाएं. Thus we may be acceptable to you. और उसके द्वारा हम तेरे लिए ग्रहण योग्य हो जाएं. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. May the Lord bless you, my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. You have been attending this Bible class online. और आप इस बाइबल अध्ययन को ऑनलाइन माध्यम से इसमें जुड़े थे. And I hope you have been sitting there seriously listening to this important. और मेरी प्रार्थना और विश्वास यही है कि आप बड़ी गंभीरता के संग इन अध्ययनों में जुड़े हुए हैं. And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. See you next Wednesday. और अगले बुधवार को फिर से हम मिलेंगे. Give importance to the studying of the scriptures. परमेश्वर के वचन के मनन और अध्ययन के ऊपर आप उसे Amen. वो स्थान दें. Amen. Amen.